हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SNMIS एंड दिस इज दीपक ठाकुर हियर। सो स्टूडेंट्स, आज भी जो है वो हम अनदर फाइव टॉप फाइव जो क्वेश्चंस है आपके प्रीवियस ईयर हिमाचल जीके के, उसको जो है वो आज हम पढ़ेंगे। और ये जो क्वेश्चंस मैं आज लिख रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो एक दो तीन बार जो है रिपीट हुए हैं एग्जाम्स में, ठीक है। और यही क्वेश्चन है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक है। और मैं बताऊंगा कि यहाँ से और क्या क्वेश्चन जो है वो आपके बन सकते हैं, तो लास्ट तक जो है वो बने रहें, क्योंकि इस जो सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस फाइव फाइव क्वेश्चंस वाली जो सीरीज़ है, इसमें हम आपका कंप्लीट HPGK के जो है वो पढ़ लेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्लियर गाइस, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ द रिवर रावी। तो देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन जो वैदिक रिवर का आया है, वैदिक नेम का आया, तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी रिवर का जो है वो वैदिक नेम या एंशियंट नेम जो है वो पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चंस में। और इस बार क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब आपको नॉलेज जो है वो डीपली होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, वैदिक नेम ऑफ द रिवर रावी, आपको पता है कि जो रिवर रावी है ओरिजिनेट कहां से होती है, बारालाचा पास या कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से जो है वो ओरिजिन होती है, ठीक है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ 720 किलोमीटर है। इंडस रिवर सिस्टम का जो है वो मेनली ये पार्ट है। स्यूल यानी कि साल नदी जो है वो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ड्रेनेज, तो ये ड्रेन होती है जाके आपकी अरेबियन सी में, आगे जाके आपकी ये इंडस रिवर से जो है वो मिलती है, ठीक है, और फिर ये अरेबियन सी में जो है वो ड्रेन हो जाती है। अगर हम बात करें इसकी वैदिक नेम की, तो वैदिक नेम क्या है इसका, वैदिक नेम है इसका पुरुषनी। पुरुषनी और इरावती जो है वो इसके वैदिक और एंशियंट नेम जो है वो रहते हैं, क्लियर। वैसे इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, कि जितनी भी रिवर्स हैं आपके हिमाचल की, जो मेन फाइव रिवर्स हैं, उनका वैदिक नेम एंशियंट नेम कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, मतलब कि कंप्लीट रिवर सिस्टम जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है, क्लियर गाइस। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मुलगुन वैली, मुलगन भी बोलते हैं या मुलगुन भी बोलते हैं, ठीक है। तो मुलगुन वैली जो है वो हिमाचल के किस जिले में जो है वो है। देखिए, मैक्सिमम अगर हम देखें तो किसी जगह में जो है वो आपको किन्नौर दिखेगा आंसर, किसी जगह में आपको लाहौल स्पीति दिखेगा, बट जो इसका फैक्ट के साथ अगर हम देखें तो जो ये मुलगुन वैली है, ठीक है, ये कहाँ पे ओरिजिनेट, मतलब कहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट करती है, कहाँ पे लोकेट करती है, ये लोकेट करती है ईस्ट साइड ऑफ बारालाचा पास, यानी कि जो बारालाचा पास है उसके ईस्टर्न साइड में, ठीक है। तो बारालाचा पास के ईस्टर्न साइड में जो है वो ये ओरिजिनेट यानी कि लोकेट करती है, ठीक है। और कहाँ पे करती है, जो चंद्रा और स्पीति रिवर है उसके ड्रेनेज बेसिन में, मतलब कि जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहाँ से नहीं, जो उसका ड्रेनेज बेसिन है वहाँ से। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि किसी बुक्स में किसी उसमें आपको किन्नौर आंसर मिलेगा, बट इसका जो फैक्चुअल आंसर है दैट इज लाहौल स्पीति। तो आंसर बी इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर गाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द 40-year वॉर बिटवीन एंशियंट आर्यन किंग देवोदास एंड सांबर रिजल्टेड इन द डिफीटेड ऑफ, जो आपकी चार कास्ट के लोग थे, ठीक है, जो फोर कास्ट थी, फोर एंशियंट कास्ट थी, ठीक है। तो यहाँ इन चार में से किसकी हार हुई थी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो ये 40-year वॉर हुई थी, ठीक है, आर्यन किंग देवदास एंड सांभर की, ठीक है, ये आपकी 40 साल तक चली थी। और एंड में क्या हुआ था, सांभर को जो था मार दिया गया था, और इसके जो अलाइज थे, इसकी जो टीम्स थी, उनको भी मार दिया गया था। कहाँ पर मार दिया गया था, इनको मार दिया गया था उदुबराज। उदुबराज एक जगह है, और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आप 3 स्टार लगा लो, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम में आए, कई बार आता है कि कौन सी जगह पे है इसको मारा, कई बार आता है कि ये मतलब इस तरह का क्वेश्चन कि मतलब कौन सी ट्राइब की या फिर कौन सी कास्ट के लोगों की जो थी वो हार हुई थी, ठीक है। तो यहां से अब हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी कास्ट के लोगों की हार हुई थी, तो देखिए, सांबर की हत्या हुई थी। सांबर जो था वो पावरफुल किंग था, ठीक है, पावरफुल किंग था, और कौन सा किंग था, वो था किरताज, ठीक है, जो कीरत कास्ट के, कीरत कम्युनिटी के जो लोग थे उनका पावरफुल किंग था सांबर, जिसकी लड़ाई हुई थी आर्यन किंग देवदास की, और एंड में जो था सांबर को मार दिया गया था, यानी कि इसकी जितनी भी अलाइज थी, टीम्स थी, उनको मार दिया गया था। कहाँ पर मार दिया गया था, उदुबराज। कई बार प्लेस पूछ लेते हैं, और आया भी है ये क्वेश्चन कि कौन सी जगह में जो था वो इसको डिफीट किया था, तो ये आपका प्लेस है, ठीक है, ये आपके जो है वो सांबर का जो था वो पावरफुल किंग, मतलब जो सांबर था दैट इज पावरफुल किंग ऑफ किरताज, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है, दैट्स वाई किसकी हार हुई थी,
किरतास की, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ कुल्लू इन द अर्लियर टाइम्स। देखिए जो अर्लियर टाइम्स था, मतलब कि जहां पे लगभग 12 जनरेशन, ठीक है, जो कुल्लू के राजाओं की जो 12 जनरेशन थी उन्होंने वहां पे राज किया उस कैपिटल में, तो इसलिए इसको एंशियंट कैपिटल बोला जाता है। तो कुल्लू की जो एंशियंट कैपिटल थी उसका नाम क्या था? जगतसुख। ठीक है, तो जगतसुख वॉज द एंशियंट या अर्लियर टाइम्स कैपिटल ऑफ कुल्लू। ठीक है, जहां पे 12 जनरेशन ने जो था वो राज किया। ठीक है, 12 जनरेशन राजाओं की उन्होंने यहां पे राज किया। उसके बाद जो था वो कैपिटल्स को चेंज किया गया। ठीक है, यानी कि राजा विशुद्धपाल जो थे, ठीक है, उन्होंने जो था वो कैपिटल को ट्रांसफर किया नागर। ठीक है, जो नागर जगह है वहां पे जो था वो कुल्लू की कैपिटल को ट्रांसफर किया। उसके बाद राजा जगत सिंह ने इसको ट्रांसफर किया सुल्तानपुर। ठीक है, तो यहां पे मतलब ट्रांसफर ऑफ कैपिटल्स भी हुआ, बट ये अर्लियर टाइम्स की कैपिटल थी क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा 12 जनरेशन के राजाओं ने जो था वो राज किया था। क्लियर, तो जगत सुख इज द राइट आंसर। ठीक है, आफ्टर दैट राजा विशुद्धपाल ट्रांसफर द कैपिटल टू नागर एंड लेटर ऑन राजा जगत सिंह ट्रांसफर्ड इट टू सुल्तानपुर। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज इंस्टॉल्ड एज राजा ऑफ बिलासपुर प्रिंसली स्टेट व्हेन खड़क चंद डाइड इशुलेस। जब खड़क चंद की अचानक मौत हो गई थी उस टाइम कहलूर यानी कि कहलूर वॉज द एंशियंट नेम ऑफ बिलासपुर, जो कि आज के टाइम पे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो बिलासपुर का उस टाइम राजा किसको बनाया गया था जब खड़क चंद की अचानक जो थी वो मौत हो गई थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या है आपका? मियां जांगी। तो मियां जांगी को जो था वो इलेक्ट किया गया था एज अ किंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आता है कि जब अचानक खड़क चंद की मौत हुई थी तो उस टाइम किसको जो था वो राजा बनाया गया था। तो ये आपने याद रखना है कि मियां जांगी को जो था वो उस टाइम राजा घोषित किया गया था। क्लियर गाइस, देखिए ये जो 5 क्वेश्चन थे आपने अभी पढ़े होंगे तो आपको खुद मजा आया होगा पढ़ने में, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन बार बार देखे होंगे एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में ये जो रिपीट होते हैं यही सेम क्वेश्चन, पूछने का तरीका अलग हो सकता है बट क्वेश्चन सेम रहता है। क्लियर गाइस। ठीक है गाइस, तो दिस वॉज फॉर द डे। ठीक है, तो होप सो आपको जो है वो ये समझ आया होगा, क्योंकि देखिए गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 क्वेश्चंस की। ठीक है, और 5-5 करके हम पूरी HPG के जो है वो कंप्लीट कर देंगे आपके एग्जाम से पहले तक। क्लियर गाइस, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, जय हिंद।